मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूँ आपका दोस्त योगेंद्र भंडारी और आज हम जा रहे हैं रेड फोर्ट जो कि है दिल्ली में, आपको पता ही है। तो चलो देखते हैं। फाइनली हम लोग पहुंच गए लाल किला, मेरे पीछे देख सकते हो रेड फोर्ट। मेरा पार्टनर टिकट की लाइन में लगा हुआ है जो इधर है पीछे, और पैसे टिकट लेते हैं फिर चलते हैं अंदर और देखते हैं रेड फोर्ट को एक्सप्लोर करते हैं। देख सकते हो ये साइड में रेड फोर्ट के चारों तरफ इस तरह का एक नाली तो नहीं बोलेंगे इसको, बट एक नहर टाइप है जहाँ पर यमुना जी का पानी आता है। अभी बीच में दिल्ली में पानी भर गया था तो वो पानी यहाँ तक आया था पूरा। तो पहले के ज़माने आई थिंक इसे सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए बनाया होगा कि फोर्ट के अंदर कोई एंट्री नहीं कर पाया तो इसमें पानी हुआ करता, बट अब तो खैर पानी नहीं है। अब देख सकते हो बड़े काफ़ी बड़े और हम जा रहे हैं अभी एंट्री गेट की तरफ, तो दिखाते हैं आपको। ये है रेड फोर्ट, लाल किला का फ्रंट व्यू। आप अक्सर 15 अगस्त पे यहाँ पर माननीय मोदी जी को स्पीच देते हुए देखते होंगे, तो यही वही जगह है जहाँ पर फ्लैग होस्ट होता है और वहीं से प्रधानमंत्री पूरे नेशन को संबोधित करते हैं। और अभी हमें जाना है उस तरफ एंट्री, जहाँ से मिलते हैं एंट्री। तो चलो अब चलते हैं लाल किले के अंदर। ये फर्स्ट एंट्री है, आप भीड़ देख सकते हो, काफी लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। और इसके गेट पे दो तोपे रखी हैं राइट लेफ्ट दोनों साइड, जहां पर लोग चढ़ चढ़ के फोटो खिंचवा रहे हैं। और अब हम यहाँ से अंदर जाएंगे, आप देख सकते हो बड़ा सा लोहे का गेट, काफी सारे लोग फोटो खिंचवा रहे हैं यहाँ पर। और इसके बाद भी एक और एंट्री है जो मेन एंट्री है, तो मुझे लगता है सिक्योरिटी पर्पज के लिए इस तरह से फोर्ट पहले बनाए जाते थे। ये है मेन एंट्रेंस और ऊपर देख सकते हो तिरंगा लहराता हुआ। और इधर राइट साइड में जहाँ से मोदी जी भाषण देते 15 अगस्त को, और एंटर करते ये है साई बाजार जो कि हमें मीना बाजार। साई बाजार का जो आइडिया था साझा को आया था, पेशावर में उसने ऐसा फोर्ट देखा था जहाँ पर उसको इस तरह का आइडिया आया था बनाने का कि एक छत के नीचे बाजार हो जहाँ पर साई लोग, जो मतलब परिवार के लोग, यहाँ पर शॉपिंग करते थे। इस बाजार के अंदर काफ़ी कुछ आपको मिल जाता है, यूनिक आइटम्स वगैरह और कुछ लकड़ी से बनी हुई चीज़ें, स्पेशली फॉरनर्स और लेडीज़ के पर्पज का ही सामान यहाँ पर ज़्यादातर होता है। और एंटिक आइटम्स मिलते हैं जो आप यहाँ से खरीद सकते हो। मार्केट अच्छा है, डेफिनेटली कॉस्टली भी है क्योंकि एंशियंट थीम पर बना हुआ है, तो आप देख सकते हो। और हम आगे फोर्ट के अंदर जहां पर आप देख सकते हो चारों तरफ ग्रीनरी है। जा रहे हैं इधर, जैसा कि जहां लोग जा रहे हैं इधर से उधर जाएंगे, देखते हैं आगे क्या क्या है। चलो चलते हैं। देख सकते हो यार कितनी खुली जगह है, बहुत सारे प्लॉट यहां पर काटे जा सकते हैं। भाई चाहिए घर पर प्लॉट बिक रहा है, बताओ खरीद लोगे ना? इधर तो बोलो, वीडियो में तो बोलो यार, खरीद लोगे ना? खरीदेंगे जब बेचे। भाई कह रहा जैसी प्लॉट कटेंगे यहाँ सब खरीद लूंगा मैं। चलो और अब हम जा रहे हैं नौबत खाना। ये आप देख सकते हो नौबत खाना एक वो जगह है जहाँ पर बादशाह संगीत को सुनता था और संगीत को एंजॉय करता था, और पुराने जमाने जिस तरह से संगीत में रातें बादशाह होती थी वो सब है।
ग्राउंड फ्लोर पे खाली है बिल्कुल, और सेकंड फ्लोर पे ही होगा मुझे लगता है हॉल वगैरह, बट वहाँ पर अभी एंट्री नहीं है। तो एक तरफ से जाते हैं और दूसरी तरफ से सीधे बाहर ही निकल जाते हैं, तो ज़्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर। गर्मी बहुत है और हम जा रहे हैं आगे। अभी आपने देखा नौबत खाना जो कि बंद है पूरी तरीके से, जो मेरे पीछे आपको दिखा है। हम आगे जा रहे हैं, चलो देखते हैं। ये है दरबार, मेन जो सिंहासन तो यही है, तो आगे जाके इसको कंफर्म करते हैं। बाकी काफ़ी लोग हैं जो दूर दूर से यहाँ पर घूमने आए हैं, देख सकते चारों तरफ बहुत खुला है। और हम जो देख रहे थे अभी तक वो है नौबत खाना, जो ऊपर जाने के रास्ते पर बंद है, सिर्फ और सिर्फ बिल्डिंग के स्ट्रक्चर से अंदर जाते हो बाहर निकल जाते हो, बाकी न चलता है। दीवान आम, जहाँ पर बादशाह आम जनता से मिलता था और उनकी प्रॉब्लम उनकी शिकायतों को सुनता था, वो जगह थी जहाँ पर आम जनता से मिलता। बाकी आप सामने देख सकते हो खुला सा ग्राउंड है, हम जाते हैं इसके अंदर, अब देखते हैं इसको जगह। तो हम चलते हैं अंदर, और अंदर जाते हैं आप देख सकते हो यार किस तरह से ग्रेट आर्किटेक्चर का यहाँ पर एक नमूना पेश किया गया है। 17 सेंचुरी में शाहजहाँ ने लाल किले को बनवाया था, जब उसने अपने कैपिटल को आगरा से दिल्ली को शिफ्ट किया था, और ये था उसका सिंहासन। जैसे कि बताया मैंने, आम महल है जहाँ पर ये आम जनता से मिल के लोगों की परेशानियाँ सुनता था और उनकी शिकायतें सुनता था और सॉल्यूशन करते होंगे। तो ये पूरा संगमरमर का है, नीचे एक टेबल भी है, और बहुत बड़ा भव्य सा बिल्कुल महल है ये, ओपन बिल्कुल, और बहुत सुंदर तरीके से बना हुआ है। निहारने से आपको समझ आएगा कि बिना मशीनों के किस तरह से उस टाइम पर लोगों ने इसको बनाया होगा। देख लिया, अब चल रहे हैं आगे की तरफ, और सामने काफ़ी कुछ दिख रहा है, अभी आपको दिखाता हूँ। अब हम जा रहे हैं दीवाने खास, जहाँ पर बादशाह अपने खास लोगों से मिलता था, सामने हयात बख्श भी, यहाँ बाद में जाएंगे। तो आगे चलने से आप देख सकते हो कितना खुला बिल्कुल ग्रीन इलाका है। अभी तो खैर ये सरकार इसको मेंटेन करती है, बट जब ये अपने टाइम में रहा होगा तो कितना सुंदर रहा होगा इसको सिर्फ हम इमेजिन कर सकते हैं। यहाँ कुछ फाउंटेन्स है दिख रहा है, कुछ नीचे भी यहाँ पर कलाकारियाँ हो रखी हैं, और ये सामने कुछ फाउंटेन्स जो कि अभी चल नहीं रहे, बट डेफिनेटली चलता होगा, बीच में भी है, सुंदर बना हुआ काफ़ी। और अब चलते हैं इसके अंदर, देखते हैं ये क्या है। अर्थात स्वर से बहती जलधारा, जिसे किले की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी, यह नहर बगीचे एवं महलों में निर्बाध जलापूर्ति कर इन्हें वातावरण भी करती थी। तो ये जिस नहर के बारे में बात हो रही है वो ये है, और आगे जाते हुए वो फाउंटेन मिल जाती है। तो ये है नहर बहिश्त, तो यहाँ से आप पानी कनेक्ट होके हर महल में जाता था, और इसका स्टार्टिंग पॉइंट भी हम दिखाएंगे कि कहाँ से यहाँ तक पानी आता था, और फिर आगे जाता खास महल। अब आगे चलते हैं। तो ये नहर बहिश्त और खास महल आपस में जुड़ा हुआ है। खास महल वो है जहाँ पर बादशाह अपने खास लोगों से मिलता था। तो अभी हालत थोड़ा जर्जर हो गई है सब चीज़ों की, बट अगेन कहूँगा बस इमेजिन किया जा सकता है कि कितना सुंदर अपने टाइम में रहा होगा, और ये बहुत भव्य है, बहुत भव्य है। एक दरवाज़ा यहाँ से भी है, बेसमेंट है, तो मेरा बड़ा मन है कि कभी ये दरवाज़ा खोले और फिर इसको हम देखा जाए। और ये सामने है रंग महल ना? तो ये है अब रंग महल। तो रंग महल मतलब रंगों से सजा हुआ था ये महल, जहाँ तक इसके नाम से पता लगता है मोस्ट प्रोबेबली ये रानी का महल रहा होगा। तो रंगों से सजा हुआ था महल, और इसलिए इसका नाम रंग महल है। और ऊपर छतों पे इसके ना कांच लगी हुई है,
कांच इस तरह से लगाया गया कि ताकि हमेशा इसमें लाइटें मेंटेन रहे और सुंदर ये दिखे। तो यहाँ पर कुछ लोग बहुत दूर दूर तक बहुत सारे भवन हैं, कोशिश करेंगे सब दिखाएंगे आपको। हयात बक्स बेसिकली एक गार्डन एरिया है जो कि आप सामने देख सकते हो, जो कि प्रॉपर नालियों से परियोजनाबद्ध तरीके से बनाया गया है कि यहाँ पर हमेशा पानी रहता था और हरियाली मेंटेन रहती थी, जिससे कि महल की खूबसूरती में जो चार चांद लगाता था और इसको अच्छे तरीके से बनाया गया। और बाकी हाल फिलहाल में यहाँ पे काफ़ी कुछ काम भी हुआ है तो उसकी वजह से भी थोड़ा मेंटेन है। तो अब ये देख सकते हो चारों तरफ से बाग। बाकी हम थोड़ा उस साइड जाएंगे, देखते हैं वहाँ पर क्या है। हम अब जा रहे हैं सामने हीरा महल में जा रहे हैं। पहले एक मोती महल भी था बट बाद में उसे हटा दिया गया, आई डोंट नो व्हाई, तो ऐसा मैंने पढ़ा था बार। तो अभी फ़िलहाल हीरा महल देखने को मिलेगा और बाकी ये पूरा आप देख सकते हो सामने। तो चलो चलते हैं। अब चलते हैं हीरा महल आगे। और हीरा महल क्या है कि पूरे लाल किला से कनेक्टेड है। ये पूरे लाल किला में पानी की सप्लाई देता था और यहाँ पर दिखा भी रखा है, वो हम दिखाते हैं आगे। पानी को नदी से सात बुर्ज तक उठाया जाता था और नालियों द्वारा विभिन्न महलों में ठंडा रहने लिया जाता था। तो आप देख सकते हो सामने जो आपको रैम्प से दिख रहा है, उससे पहले इसके अंदर पानी आता, फिर उस रैम्प से पानी आता था, फिर इस तरह से सीधा निकल जाता था पूरे महलों को में पानी उस तरफ, जिससे कि महल ठंडे रहा करते थे। चलो आगे चलते हैं, सामने भी कुछ है देखेंगे। तो आप इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। हयात बक्स बाग के उत्तरी और दक्षिणी किनारों में संगमरमर के दो समान मंडप हैं। इनमें वर्षा ऋतु के दो मुख्य महीनों के नामों पर सावन और भादो कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यह मंडप किसी समय बहुत अलंकृत हुआ करते थे पर अब किसी भी आंतरिक सजावट से वंचित हैं। सफ़ेद संगमरमर से निर्मित इन मंडपों का आकार 98.7 मीटर × 90.75 भी है। हालांकि दोनों मंडप बाहर से एक समान दिखते हैं, लेकिन इनमें कुछ आंतरिक फर्क देखने को मिलता है। भादों के केंद्र में एक जल कुंड है और सावन में पानी की एक नहर द्वारा पानी की आपूर्ति होती है। तो इसलिए इसके बारे में बात हो रही है। चलो यहाँ भी आप जाने सकते हो, उस पार से देख सकते हो। चलो आगे चलते हैं। इसका नाम है सलीमदार, ऐसा हमें सिक्योरिटी ने बताया। बाकी का देख सकते हो, कॉर्नर है, ओपन ग्रीन एरिया खाली है, सामने कैंटीन है। और हम फिर से वापस जाते हैं अंदर की तरफ और देखते हैं और वहाँ पर क्या क्या है। तो ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस का एक म्यूजियम है यहाँ पर, लेट्स सी चेक करते हैं, अंदर अंदर देंगे नहीं। हाँ, सुभाष चंद्र बोस की कुछ तस्वीरें और हम यहाँ से जा रहे हैं अंदर, देखते हैं। नेताजी की विश्व भर में भारत की पूर्ण स्वराज की मांग का समर्थन पाए और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सही छवि बनाने की सफल कोशिशों की अद्भुत कहानी इन दीवारों में कैद है। और साथ ही मौजूद है आजाद हिंदुओं की
तो अभी आपने देखी सुभाष चंद्र बोस ने कैसे पूर्ण स्वराज की मांग करी, और आप देख सकते हो कुछ तस्वीरें यहाँ पर लगी हुई हैं कैम्ब्रिज की, और 1914 का ये भारत का नक्शा, और जो उन्होंने त्यागपत्र दिया कि मुझे कोई सरकारी नौकरी नहीं करनी है। अब इसके साथ हम चलते हैं ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे सुभाष चंद्र बोस जी की जो म्यूज़ियम है यहाँ पर, और इसमें हमने यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर तस्वीर लगी है, यहाँ पर मैंने खुद फ़ोटो खिंचवाई, और एक दूसरी और एक फ़ोटो और तीसरी है, ये 1942 क्विट इंडिया का जो मैप है, यहाँ पर एक और फ़ोटो यहाँ पर गांधी जी के साथ, और ये इकलौती फ़ोटो है सुभाष चंद्र बोस जी की पूरी म्यूज़ियम में जो गांधी जी के साथ है। फिर हम अंदर गए और फिर हमने एक और यहाँ पर छोटी सी मूवी जिसको देख के लगा कि हाँ यार सुभाष चंद्र बोस जी ने कितनी सारे कोशिशें देश को आज़ाद कराने के लिए की हैं। एक और हॉल जहाँ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में कई सारी तस्वीरें, वीडियोस, उनके आज़ादी के संघर्ष को दिखाते हुए, यहाँ पर जब उन्होंने करो या मरो का नारा दिया, ये हिटलर के साथ दक्षिण पूर्व एशिया में भारतीय देशभक्त, और जब बंगाल में अकाल पड़ा तो उन्होंने सहायता की कोशिश करी, प्रस्ताव दिया। बहादुर शाह की जब कब्र पे गए नेताजी, और ये झांसी की रानी जब सेना बनाई सुभाष चंद्र बोस को मिल के देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी, ये चलो दिल्ली दिल्ली चलो 1943, और ये एक जापान की फ़ोटो जहाँ पर पनडुब्बी पे गए थे, और यहाँ पर उन्होंने थैंक्स बोला है जब लोगों ने उन्हें, गरीब लोगों ने उन्हें मदद करी फोर्स बनाने के लिए। तो ऐसी कई सारी तस्वीरें यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ टाइम मैगजीन के फ्रंट पेज पे, टाइम मैगजीन इतना पुराना मुझे अब पता लगा, इसलिए मैं आपसे ये कहूँगा आप लोग ज़रूर विज़िट करिए। इस बार लाल किला से ज़्यादा मुझे सुभाष चंद्र बोस म्यूज़ियम में मज़ा आया जो कि रिसेंट गवर्नमेंट ने बनाया है, और यहाँ पर बहुत कुछ देखने और सीखने के लिए, यहाँ पर सावरकर जी के साथ हैं, तो ये इनकी यूरोप यात्रा 1937 में, और यहाँ पर इनका लास्ट में एक पिक बड़ा होल्डिंग लगा है, और ये सब जब उन्हें घर में कैद करा गया और आगे किस तरह से उनकी यात्रा रही, पूरा विवरण यहाँ पर दे रखा है। यहाँ पर एक ब्रिटिशर्स भी हैं आप देख सकते हो, ये भाई साहब ये घूम रहे थे, तो मैंने इनसे पूछा कहाँ से हैं कैसे, तो इन्होंने बताया कि आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड बॉस, तो मैंने इनको बोला कि आपके समझ में नहीं आएंगे क्योंकि सालों से जब आप लोग यहाँ पर रूल कर रहे तब भी आपको समझ में नहीं था, और आपके ब्रिटिश सरकार को लाखों बार उन्होंने बेवकूफ़ बनाया, तो थोड़ा चिढ़ गए, पर मुझे बड़ा मज़ा आया जब मैंने बॉस के बारे में एक फिरंगी को बताया, तो अच्छा लगता है आपको भी अच्छा लगेगा जब आप के अंदर ये भावना रहेगी कि नहीं हमारे जो लीडर थे यार, ये एक्चुअली वो लीडर हैं जिन्होंने सच में ग्राउंड लेवल से लेकर और एंड ऊपर तक पूरी कोशिश। तो अभी तक जो आपने देखा ये था सुभाष चंद्र बोस का म्यूज़ियम, और मैं आपको सच बताऊं तो म्यूज़ियम में आने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि हमने बहुत सारा सुना है कि गांधी ने के बारे में, नेहरू के बारे में, बट अगर आपको जेन्युइनली अगर जानना है कि एक्चुअल मायने में फ्रीडम फाइट किन लोगों ने लड़ी और किस लेवल पे जाके लड़ी और किस किस लेवल पे जाके लड़ी, इंडिया के ग्राउंड से लेकर लंदन, यूरोप, जापान, अमेरिका, हर जगह जाके, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप एक बार सुभाष चंद्र म्यूज़ियम जरूर विज़िट करिए, आपको रियलाइज़ होगा कि हमने कितना कम उनके बारे में पढ़ा और जाना है। तो एक बार ज़रूर आना, तो सच में आपको बड़ा फ़ख्र होगा यार कि हम लोग उसी देश में पैदा हुए जिसके लिए सुभाष चंद्र बोस ने लड़ाई ली। तो आप भी और चलो अब आगे चलते हैं। तो यहाँ पर एक और म्यूज़ियम है, इसका नाम है यादें जलियाँ, तो आप देख सकते हो यार 13 अप्रैल 1919। यहाँ पर मूवी अब चलने वाला बाग का बेसिकली एक म्यूजियम है,
वाले बाग में लगे कुछ लिखा है। जलियांवाला बाग में लगे एक नोटिस में ये रास्ता तो ये थी अभी जो मूवी अभी आपने देखी जलियांवाला बाग के ऊपर। ये जलियांवाला बाग का यहाँ पर एक स्टैचू क्रिएट किया गया है, जितने लोगों के ऊपर हत्या हो गई थी, जो लोग शहीद हो गए थे उनके नाम से यहाँ पर लिखे हुए हैं, और जलियांवाला बाग स्मारक का प्रतीक। और देन इसके आगे हम जाते हैं तो फिर आता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर भारतीय जो सैनिक थे उन्होंने किस तरह से कॉन्ट्रीब्यूट किया था, है ना। तो यहाँ पर आपको दिखाया गया है, यहाँ पर एक डिस्प्ले लगा है, यहाँ पर लिखा है कि युद्ध में भारतीय सैनिकों के अनुभवों को पढ़ने के लिए अपने पत्र चुने। तो सपोज दैट मैं ये वाला लेटर पढ़ना चाहता हूँ, एक मैं पढ़ चुका हूँ, तो देख सकते हो घर भेजे गए पत्र में एक सैनिक द्वारा विनाश की दशा का वर्णन। मेरे प्यारे भाई, भारत को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, लगभग 200,000 लोग मर चुके हैं, लगभग 4,000 के हाथ या पैर कट गए और बहुतों की आँखें चली गई। भारत में अब 3/4 जनसंख्या महिलाओं की होगी और केवल 1/4 पुरुष होंगे। यहाँ हालत ऐसे कि पूरी दुनिया में प्रति पुरुष 2 महिला होंगी। सारे राजा बर्बाद हो चुके हैं। आप देख सकते हो ऐसे आप यहाँ पर दूसरा लेटर भी पढ़ सकते हो, और सब उधर ये वाला पढ़ते हैं। आमिर खान खुदा ही जानता है कि फ्रांस की जमीन पर पाप के डब्बे हैं या फिर फ्रांस में कयामत का दिन आने वाला है। यहाँ गन और राइफल्स की बाढ़ आई हुई है, शरीर पड़े हैं, खून बहता रहता है। जो कुछ हो रहा है इससे हमें अल्लाह ही बचाए। सुबह से रात और रात से सुबह तक यही चलता रहता है। हमारी बंदूकों ने जर्मन खाइयों को मृतकों के शरीर को खून से भर दिया है। अल्लाह हम पर तरस करे क्योंकि तरस की जरूरत है, या अल्लाह हम पर तौबा करें। और यहाँ पर 11 अप्रैल 2015 को जब भारतीय प्रधानमंत्री फ्रांस गए तो उन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर जो लोग शहीद हुए थे उनको श्रद्धांजलि दी फ्रांस के अंदर। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि इतने सालों बाद भी हमारे देश के प्रधान सेवक जी ने उन लोगों को याद करा जिन लोगों ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर अपनी शहादत दी। तो आप देख सकते हो माननीय प्रधानमंत्री जी श्रद्धांजलि देते हुए। तो ये कोई यहाँ पर एक डिस्प्ले बोर्ड लगा हुआ है
तो जब भी आप जाओगे तो ये स्किन वहाँ पर चलता रहता है, तो आपको भी देखने को मिलेगा। और इसके बाद एक डिस्प्ले और है जहाँ पर विक्टोरिया क्रॉस जिन लोगों को अवार्ड मिला है, जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर जिन लोगों ने शहादत दी थी, जिन भारतीयों ने, तो इनमें से दो नाम है, एक तो धरवान नेगी और गब्बर नेगी। ये दोनों ही गढ़वाल रेजिमेंट से थे जिन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर अपनी शहादत दी, और इनको विक्टोरिया क्रॉस अवार्ड से नवाजा गया। और आज भी इनके इनके बारे में यहाँ म्यूज़ियम में बताया गया है। तो ये सब जानने के लिए आपको लाल किला आना पड़ेगा। तो आप मेरे पीछे देख सकते हो, ये भी एक म्यूज़ियम है जिसमें जलियांवाला बाग से शुरू था और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, और साथ ही किन किन लोगों को अभी तक विक्टोरिया क्रॉस पुरस्कार मिला है, जिनमें से दो नाम मेरे जाने पहचाने थे, मतलब जो मैंने पहले भी सुना था। एक था गब्बर सिंह नेगी और दूसरा कोई राणा थे, जो कि मैं वीडियो में पिक के साथ डालूंगा। दोनों ही गढ़वाल राइफल्स थे, जो कि प्रथम विश्व युद्ध के अंदर उन्होंने शहादत दी थी। सो हम जा रहे हैं भारतीय डाक इंडियन पोस्ट का म्यूजियम देखने के लिए, जिसके बारे में ये एक डेली जो कि फ्री है, आप भी आ सकते हैं। और अब हम जा रहे हैं भारतीय डाक के म्यूज़ियम में कि भारतीय डाक कब कैसे स्टार्ट हुआ, तो यहाँ पर उसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन दी गई है। स्टार्ट है गांधी जी के चरखे से, और यहाँ पर खुद एक गांधी जी का छोटा सा स्टैचू जहाँ पर वो एक किताब में कुछ देख सकते हो लिख रहे हैं, और ये साबरमती आश्रम दिखाया गया बेसिकली, और ये एक ड्रॉप बॉक्स पहले के ज़माने में। और इधर कुछ डाक टिकट लगे हुए हैं जो हमारे लीडर्स की डाक टिकट हैं, जैसे स्वामी विवेकानंद, सुभाष चंद्र बोस, वीर सावरकर, श्याम प्रसाद मुखर्जी, ऐसे कई सारे लोगों के डाक टिकट जब जब सरकार ने जारी किए हुए यहाँ पर लिखे हुए हैं। और एक नारा भी लिखा हुआ है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें अजय दूंगा, जो सुभाष चंद्र बोस जी का फेवरेट स्लोगन था। और ऐसे यहाँ पर पक्षियों के, पहाड़ों के, मॉन्यूमेंट्स के, कई अलग अलग तरह के यहाँ पर डाक टिकट जब जब वो घोषित किए सरकार ने, तब तक वो यहाँ पर उनकी फ़ोटो यहाँ पर लगे। और फाइनली हमारा वन ऑफ द फेवरेट मंगलयान मिशन को भी यहाँ पर दर्शाया गया है। देन इंडिया एट 75, 75 साल के अमृत महोत्सव में यहाँ पर दिखाया गया क्या क्या इंडिया ने अचीव करा। यहाँ पर कपिल देव जी वर्ल्ड कप लेके दिखाए गए हैं, वैसे धोनी ने भी वर्ल्ड कप जीत चुका है, मैं टूर नहीं दिखाया यहाँ पर, आई डोंट नो भाई क्यों। और यहाँ पर दोबारा से एक हमारा ये ड्रॉप बॉक्स जो हमने देखा होगा, यहाँ पर एक पोस्टमैन गांव में कुछ डिलीवरी देता हुआ, तो ये सब है यहाँ पर। ये भी एक अच्छी इन्फॉर्मेटिव जगह है जो आप देख सकते हो। बेसिकली अब के बच्चों को ये सब देखने को नहीं मिलेगा, वो लाइफ में एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब डाक और पोस्ट का ज़माना रहा नहीं, तो उनके लिए दिखाने के लिए जगह। खैर ये हमने देखा है बचपन में कि किस तरह से डाकिया और पोस्टमैन डाक लेके आता था और गांव-गांव में डिलीवर करते थे। यहाँ पर कुछ पोस्ट ऑफिस और डाक खाना से रिलेटेड कुछ सामान है जो आप यहाँ से खरीद सकते हो। मैंने इनसे बात करी तो इन्होंने बताया कि ये पेड है, आपको इसे ख़रीदना पड़ेगा अगर आप कुछ कुछ लेना चाहते हो, तो मतलब जिसमें भारतीय डाक और पोस्ट कुछ लगा होगा, तो ये सब है यहाँ पर। इसके अलावा एक महिला डाकिया, और बस यहाँ पर यही सब था। और उसके अलावा यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, और वो है ये देख सकते हो, ये फर्स्ट हेलीकॉप्टर है जिसने कि आई थिंक 1911 के अंदर इसने फर्स्ट टाइम हेलीकॉप्टर से जाके लोगों को डाक भी दी थी। 15 मिनट की उड़ान थी, भारत में हुई थी ये, और 6,000 लोगों को डाक पहुंचाई गई थी इस हेलीकॉप्टर से। तो ये उसका मॉड्यूल है,
तो ये आप भी देख सकते हो। ये थोड़ा मुझे इंटरेस्टिंग लगा, इसके पीछे का साइंस समझने का और यहाँ पर देखने का तो खैर टाइम नहीं मिला, बट ये मुझे अच्छा लगा। भाई बात के डॉग म्यूजियम, अब चलते हैं बाहर, यहाँ से हम लेंगे एग्जिट, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। सो दोस्तों ये तो भारतीय डाक का म्यूजियम, कैसे कैसे भारतीय डाक और कब कब कौन सी डाक टिकट निकली वो सब इसके अंदर दिखाया गया है। अच्छा है, छोटा सा है, अच्छा है, तो देख सकते हो आप लोग। अब ये एक और वन एंड लास्ट म्यूज़ियम जहाँ पर कि 1857 की लड़ाई को दर्शाया गया है। तो विद्रोह, राज्यग्रहण और युद्ध, ये साइंस से दर्शाया गया है। और अखंड भारत का मैप यहाँ पर है कि किस तरह से 1857 की क्रांति हुई, आंदोलन हुआ और उससे पूर्व भारत कैसा दिखता था। इस मैप में आपने देखा ये कुछ ऐसा दिखता था। और यहाँ पे बहादुर शाह, जफर, नाना साहिब, तो सब लोगों ने इस लड़ाई को मिल के लड़ा था और भारत मुक्त कराने के लिए सब ने मिलकर लड़ा था, फ्री इंडिया के लिए, भारत को मुक्त कराने के लिए। तो ये फर्स्ट स्वतंत्रता संग्राम था जो हम भारतीयों ने मिलकर लड़ा था। यह सैन्य विद्रोह है अथवा यह एक राष्ट्रीय विद्रोह है, एक मोटिवेशनल स्लोगन यहाँ पर लिखा हुआ है। और कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर इस म्यूज़ियम के बारे में, आगे आओगे तो यहाँ पर और भी हथियार वगैरह हैं कि उस टाइम पे किस तरह के हथियार वगैरह यूज़ किए जाते थे। तो यहाँ पर कुछ तलवारें रखी गई हैं, तो वो सब यहाँ पर ये देखने वाली चीज़ें। मुझे ज़्यादा ध्यान आता कि पहले इस टाइप का जो म्यूज़ियम था लाल किले के अंदर वो बहुत बड़ा हुआ करता था, यहाँ पर एक धनुष बाण है, बट अब या तो हटा दिया गया है और या फिर हमने उस एरिया को कल एक्सप्लोर नहीं करा, तो दोनों में से एक हो सकता है। और ये दोबारा अखंड भारत का मैप, किस तरह से पाकिस्तान, अफगानिस्तान सब भारत के ही पार्ट हुआ करते थे। और हम जा रहे हैं फर्स्ट फ्लोर पे एक और म्यूज़ियम में, जहाँ पर यहाँ पर भी म्यूज़ियम का एक पार्ट ऊपर है। चलो ऊपर चलते हैं, हमारे और काफ़ी लोग हैं जो दूर से यहाँ पर आके चीज़ों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, हमारे जैसे ही हैं। देखते हैं क्या होता है, जहाँ तक मुझे लगता है कि यहाँ पर काफ़ी टाइम लगा आज, पोशाक देखने में एक्सपेक्टेड टाइम से ज़्यादा हमने आज यहाँ पर खर्च किया। चलते हैं, और ये जितने भी म्यूजियम आप देख रहे हो सब नए बने हैं, तो ये देखने लग जरूरी है। यहाँ पर दिखाया गया बकरा ईद के दिन ही पहला हमला किया था। चलो आगे चलते हैं, यहाँ पर राजशाही एक पोशाक है साझा की, इस तरह की पोशाक को पहनते थे। और एक यहाँ पर ये भी कि दिल्ली पर कब्जा किस तरह से हुआ। और ये एक बहुत इम्पोर्टेंट पिक्चर है जो कि जिसके बारे में मैंने अभी तक सुना था कि किस तरह से दिन दहाड़े गुरु तेग बहादुर जी के बच्चों को यहाँ पर शहादत दी गई थी। तो तो ये एक ओवरऑल यहाँ पर इंफॉर्मेशन है इस म्यूज़ियम के अंदर, किस तरह से भारत कहाँ से शुरू हो गया, कहाँ पर आज़ादी मिली, तो काफ़ी डिटेलिंग यहाँ पर है।
और एक और हॉल, तो ऐसे कई हॉल हैं यहाँ पर जो आज़ादी की हमारी गाथाओं को दिखाते हैं, बताते हैं। और कुछ बंदूकें, गन बाद अब हम जा रहे बाहर की तरफ। आगे ना आप देख सकते हो सेम एंट्री है, सेम एग्जिट है। तो काफ़ी थक गए हैं, आई डोंट नो हम इसमें इस ब्लॉग में कितना कुछ दिखा पाएंगे आपको। सो लेट्स सी, वेट फॉर वीडियो, तब तक चलते हैं बाहर। ये है साई मार्केट, इसको बनाया था अहमद लाहौरी ने, उस्ताद अहमद लाहौरी, जिन्होंने लाल किले को डिज़ाइन किया था ऐसा कहा जाता है। बट एक स्टोरी ये भी कि राणा प्रताप, महाराणा प्रताप के मामा जी जो थे राजा अंगपाल, उन्होंने 11वीं शताब्दी में लाल किला का निर्माण किया था। तो भारत के इतिहास को लेकर काफ़ी सारी छेड़खानी पूर्व में हुई है। आई होप समय का तो ठीक होंगी। हम जा रहे हैं बाहर, आप देख सकते हो अगर आप भविष्य में कभी प्रधानमंत्री बनते हो तो आपको यहाँ पर मौका मिलेगा यहाँ से भाषण देने का 15 अगस्त को, तो पूरा देश आपको देखेगा, 15 अगस्त मनाएगा। तो कोशिश करिए देश का प्रधानमंत्री बनने, ताकि आपको यहाँ पर भाषण देने और झंडा फहराने का मौका मिले। तो यही वो जगह है जहाँ से प्रधानमंत्री भाषण देते हैं। और इतना कुछ देखने के बाद हम आ गए हैं बाहर, और हम बाहर आ गए तो चलो चलते हैं। दोस्तों रेड फोर्ट का ब्लॉग करते हैं यहाँ पर ख़त्म। एक्सपेक्टेड टाइम से ज़्यादा टाइम हमने यहाँ पर स्पेंड कर लिया, अब बाहर निकलते हैं। बहुत जल्द मिलते हैं एक नए ब्लॉग के अंदर, तब तक आप अपना प्यार बनाए रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय फ्रॉम लाल किला दिल्ली भारत। जय हिंद, जय भारत।